नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन की शानदार जबरदस्त बेहतरीन फिल्म झुंड अपने तीसरे दिन मतलब आज संडे को इंडिया में कितना कलेक्शन कर सकती है, भारत में कितना कलेक्शन कर सकती है, इसका क्या प्रेडिक्शन है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हालांकि कलेक्शन जितनी अच्छी ये फिल्म है, जितने अच्छे रिव्यूज मिले उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे। दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन जहां भारत में 1.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, वहीं दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन कलेक्शन में लगभग 50% का उछाल देखा गया। और दोस्तों फिल्म का दूसरे दिन का नेट कलेक्शन रहा 2.30 करोड़ रुपए, मतलब 2.30 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार दोस्तों झुंड के शुरुआती दो दिनों का भारत में नेट कलेक्शन करीब 3.80 करोड़ रुपए रहा है, जो ठीक है, अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में सुधार आया है। और दोस्तों जहां तक तीसरे दिन की बात है, संडे की बात है, तो दोस्तों संडे को फिल्म की जो थिएटर्स में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है वो करीब 27% रही है, मतलब मॉर्निंग शो की जो ऑक्यूपेंसी रही है वो करीब 20% के आसपास है और आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी करीब 33% रही है, मतलब बढ़िया ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शो में दर्शकों की संख्या बढ़ी है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये बता दूं कि मुंबई में फिल्म के जो आफ्टरनून शोज है उसकी ऑक्यूपेंसी करीब 46% रही है और इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी में और भी सुधार देखने को मिला है और वो करीब 58% रही है। इसका मतलब जो नाइट शोज है उनमें ऑक्यूपेंसी और भी बढ़ने वाली है। और दोस्तों मुंबई और महाराष्ट्र में ये फिल्म काफी अच्छा कर रही है और काफी अच्छा करेगी, जैसे जैसे फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, जो लोग देख के आ रहे हैं वो फिल्म को सुपर्ब एक्सीलेंट क्लासिकल बता रहे हैं, तो दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। विशेषकर ये फिल्म महाराष्ट्र और मुंबई में तो अब अच्छा प्रदर्शन करने लग गई है, साथ ही पुणे में भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा रहने वाला है, वहां भी फिल्म अच्छा कर रही है। लेकिन दोस्तों भारत के बाकी हिस्सों में विशेषकर दिल्ली एनसीआर तथा नॉर्थ पार्ट है, जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पे फिल्म का जो कलेक्शन है वो काफी कमजोर है, इस कारण कलेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म कुल मिलाकर के आज भी फिल्म के कलेक्शन के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेगा, काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और आज जो फिल्म के जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल्म करीब 2.80 करोड़ से लेकर के 3.5 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन संडे को कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का तीन दिनों का अगर नेट कलेक्शन देखा जाए तो करीब 6.80 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। एक्यूरेट फिगर तो कल सुबह तक आ पाएंगे, लेकिन 6.80 करोड़ रुपए तक इसका तीन दिनों का नेट कलेक्शन हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर इसके ग्रोस कलेक्शन की बात करें, भारत में ग्रोस कलेक्शन कितना हो सकता है, तो भारत में ग्रोस कलेक्शन इसका हो जाएगा तीन दिनों का 7.50 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर इसके टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ये 8 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा तीन दिनों में। अब दोस्तों जो एक्यूरेट फिगर है वो मैं आपको कल सुबह की वीडियो में दूंगा, लेकिन एक अनुमान के अनुसार फिल्म ने आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, फिल्म में दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, दर्शकों की रुचि बढ़ रही है और जैसे जैसे फिल्म के बारे में जो दर्शक पिक्चर देख के आ रहे हैं वो बता रहे हैं लोगों को, तो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि झुंड आगे कितना कमाल कर पाती है। तो कल सुबह के वीडियो में मैं आपको फिल्म के एक्यूरेट कलेक्शन के बारे में और जानकारी दूंगा। दोस्तों आपको ये जानकारी जो मैंने दी इस वीडियो में कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।